उसामा बिन लादन जिससे दुनिया डरती थी, ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर जिन्होंने उसामा बिन लादन जैसे दुनिया के दहशतगर्द से 10 मिलियन डॉलर ले लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता बहुत पुराना है। ओसामा बिन लादेन, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आतंकवादियों का गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान में किस तरह से आतंकियों के रहमो करम और फंड से सरकार चलाई जाती है, इसका खुलासा भी कुछ ही दिन पहले अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रही आबिदा हुसैन ने किया था, जब उन्होंने कहा था कि पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन फंडिंग करता था। कभी नवाज शरीफ सरकार में मंत्री रह चुकी आबिदा हुसैन ने जैसे ही शरीफ और आतंकी लादेन के बीच रिश्ते का खुलासा किया तो पाकिस्तान में जैसे हंगामा मच गया। आबिदा हुसैन के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की संसद में भी गुरुवार को इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। इमरान सरकार में विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने तो खुलेआम संसद में आरोप लगा दिया कि नवाज शरीफ ने आतंकी ओसामा बिन लादेन से 10 मिलियन डॉलर लिए थे और वो पैसा खा गए। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर जिन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे दुनिया के दहशतगर्द से 10 मिलियन डॉलर ले लिए। अच्छा, लेकिन जनाब स्पीकर मैं आपको मजेदार बात बताऊं, इतने बड़े फ्रॉडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ओसामा बिन लादेन जिससे दुनिया डरती थी 10 मिलियन डॉलर बंदा मरवा देगा या ऑब्वियसली इतना बड़ा वो था, उसने इन्होंने 10 मिलियन डॉलर लिए नवाज शरीफ साहब ने और वो पैसे भी खा गए, वो भी नहीं लगाए उसमें। आप अंदाजा और इनके इनके फ्रॉडियों अंदाजा लगाए, वो पैसे इन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ लिए तहरीके अदम एतमाद के लिए, और तहरीके अदम एतमाद के लिए पैसे लेके उसामा बिन लादेन से वो बैगों पे ले गए और अपने अकाउंट्स में जमा करवा दिए, क्योंकि बाद में जिसने पैसे दिए जो बिचौला था उसने कहा कि अगर ये पैसे लगा देते तो लोग कॉन्फिडेंस पूरी हो जाती, लेकिन ये वो पैसे भी खा गए, यानी उसामा बिन लादेन के पैसे भी खा के जो है वो बैठ गए। अब दूसरा, इनके साथ जो फजलुर रहमान साहब और JUI साथ मिली हुई है, इनके घर और दफ्तर भी जो है वो लीबिया के पैसों से और इराक के पैसों से बना हुआ है। मतलब इनको शर्म नहीं आती, ये पाकिस्तान में सियासत करते हैं, कोई लीबिया से पैसे ले रहा है, कोई इराक से पैसे ले रहा है, कोई ओसामा बिन लादेन से पैसे ले रहा है, कोई किसी के पाँव में पड़ा हुआ है, कोई किसी के पाँव में पड़ा हुआ है। आप इनकी अखलाकी हैसियत इसलिए देखें कि कभी भी इस तरह की अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस अमेंडमेंट से ट्रांसपेरेंसी आए। शरीफ के मंत्रिमंडल की सदस्य रह चुकी आबिदा हुसैन ने हाल ही में JioTV को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान शरीफ और आतंकी लादेन के बीच संबंध का जिक्र करते हुए कहा था, हाँ उसने कभी मियां नवाज शरीफ का समर्थन किया था, वो एक जटिल कहानी है, वो शरीफ को वित्तीय सहायता देता था, एक समय बिन लादेन लोकप्रिय था और अमेरिका समेत सब उसे पसंद करते थे, लेकिन बाद में सबने उससे दूरी बना ली। अभी कुछ ही दिन पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सांसद फारूक हबीब ने भी बेनजीर भुट्टो की लिखी किताब का हवाला देते हुए कहा था, पेज नंबर 201 पर लिखा है कि उनके पिता नवाज शरीफ ने देश में विदेशी धन की नींव रखी और ओसामा बिन लादेन से मिले 1 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल बेनजीर भुट्टो सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किया। बता दें, नवाज शरीफ पर आतंकी गुटों के साथ संबंध को लेकर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं। ऐसा मानना है कि लादेन से मिले इस फंड का इस्तेमाल भी कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया जाता था। साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को 2 हवाई जहाज से उड़ाने वाला खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन इस हमले के बाद पाकिस्तान में ही पाया गया था। उसे अमेरिका ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में आधी रात को मार गिराया था। ओसामा बिन लादेन जिससे दुनिया डरती थी, ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर जिन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे दुनिया के दहशतगर्द से 10 मिलियन डॉलर ले लिए।